हेलो गाइस, होर की हाल चाल ने सारे दे? उम्मीद सारे वधिया होंगे। अज आप इस वीडियो दे विच गल करांगे सो जिन्हां ने 10th क्लास पास की थी आ ते उन्हां वास्ते ड्राइवर दी पोस्टां निकलियां वा ITBP दे विच ते उन्हां कोले वैसे अपना हैवी लाइसेंस भी तुहाडे कोले होना चाहीदा वा जे तुसीं पोस्टां भरनियां वा ते जिन्हां कोले लाइसेंस नहीं भी हैगा वैसे वह भी पोस्टां भर सकदे आ। किदां भर सकदे आ? देखो ये आप जो लाइसेंस अपलोड नहीं करना सिर्फ वो तो यस ही करना भी तुहाडे कोले हैगा वा ते उस तो बाद की करना तुसीं नाल ही अपना लाइसेंस अपलाई कर दिओ। महीना डेढ़ महीने के विच तुहाडा लाइसेंस बन के आजूगा ते तुसीं नाल ही पोस्टां अपलाई कर दिओ। तकरीबन ये अपना एग्जाम नैक्सट मंथ ही होना उदों तुहाडा जिहड़ा लाइसेंस बन भी जाणा वा ते डाकूमेंट वेरीफिकेशन नूं तां टाइम लग जांदा वा उदों तुहाडा लाइसेंस वधिया आराम नाल बन जूगा ते इस करके तुसीं अपनी पोस्टां 10th दे बेस ते अपलाई कर सकदे हो। सो पोस्टां किवें अपलाई करनियां वा सारी गल्लबात आपां इस वीडियो दे विच करांगे। सो फार्म भरन तो पहला इहदा जिहड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार आप चैक आउट करांगे वो तुसीं इहदी जिहड़ी ऑफिशियल साइट आ उत्थों भी डाउनलोड कर सकते हो जां तुसीं की करना वा इत्थे jobrasta.com ते आ जाना वा। इहदा जिहड़ा साइट का लिंक आ तुहानूं डिस्क्रिप्शन च मिल जूगा उत्थों जाके इस डायरैक्ट साइट पर आ सकते हो ते सारी इनफॉर्मेशन तुहानूं इस जॉब के रिगार्डिंग इत्थों मिल जूगी। जिदा आपां गल करिए पोस्टां की गल करिए टोटल 458 पोस्टां वा ते सैलरी तुहाडी 21,700 रुपये स्टार्टिंग आ ते अपलाई लास्ट डेट हैगी अपलाई करन दी 26 या अपना जुलाई तक तुसीं इह पोस्टां अपलाई कर सकते हो। तो हजे देखो ये इन्हां ने एग्जाम डेट हजे नोटिफाई सून लिखिया हजे इन्हां ने दित्ती नहीं हैगी तुहाडे एग्जाम कदों होणगे इस करके तुहानूं मैं कह रहा वा जिहड़ा लाइसेंस अपना अपलाई तुसीं नाल ही कर दिओ। जे आपां एज लिमिट की गल करिए मिनीमम एज हैगी 21 ईयरस एंड जिहड़ी मैक्सीमम एज आ वो 27 ईयरस आ। बाकी ही जिहड़ी एज रिलैक्सेशन आ तुहानूं कैटेगरी दे हिसाब नाल मिल जाती आ। जिदा कि आप फीस की गल करिए जनरल OBC वास्ते 100 एंड जिहड़े SC ST आ एंड जिहड़े ex-servicemen उन्होंने वास्ते कोई भी फीस नहीं हैगी। बाकी तुसीं जिहड़ी फीस है ये अपनी ऑनलाइन पे कर सकते हो। कॉन्सटेबल ड्राइवर दी ये पोस्टां वा टोटल हैगियां 458 पोस्टां इत्थे कैटेगरी वाइज पोस्टां मैनशन कीतियां एक बार तुसीं इहनूं भी चक्कर जरूर कर लिओ। तो क्वालिफिकेशन की मैं तुहाडे नाल पहलां गल कर ली एलीजिबिलिटी तुहाडे कोल 10th क्लास पास होनी चाहिए आ ते एक वैलिड हैवी वहीकल लाइसेंस भी होना चाहिए वा। तो उस तो बाद आपां गल करते हैं फॉर्म किदां तुसीं अपलाई करने हैं। सो अपलाई करन दा जिहड़ा लिंक आ ऑफिशियल साइट दा तुहानूं डिस्क्रिप्शन च मिल जूगा इत्थे आपां सारे नूं पहलां रजिस्ट्रेशन ते क्लिक कर लेना वा। सो गाइस वीडियो शुरू करन तों पहलां जिहड़े भी वीर अपने चैनल ते नवें आए आ सारे नूं पहलां अपने चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ एंड जिहड़ा नाल बैल आइकोन आ रहा वा उहनूं जरूर प्रेस कर दिया करो ताकि जिहड़ी भी आपां नवीं अपडेट लैके आईए वो तुहाडे कोल सारे नूं पहलां वीडियो आ सके। सो वीडियो शुरू करते हैं। तो सारे नूं पहलां तुसीं इत्थे अपना फस्ट नेम मैनशन करना वा इत्थे अपना लास्ट नेम मैनशन करना वा। आफ्टर दैट इत्थे अपनी मेल ID फिल करांगे ते उस तो बाद कन्फर्म करांगे मेल ID। नीचे आ जाना वा इत्थे अपना न्यू पासवर्ड जनरेट करना वा ये तुसीं पासवर्ड किदां जनरेट कर सकते हो मैं तुहानूं एक बार इत्थे ना एग्जाम्पल भी तुहानूं इत्थे लैके दिखा दिंदा वा। इहदे 'च आपां मैनशन कर दिंदे हां एग्जाम्पल दे लई जिद्दां कि आपां आही पासवर्ड इत्थे फिल करांगे जिद्दां कि एक अपर केस लोअर केस एंड तुसीं नंबर ऐड करने हैं एंड स्पैशल करैक्टर इहदे 'च ऐड करने हैं। देखो अपर केस भी हो गया तो लोअर केस भी हो गया इहदे 'च आपां स्पैशल करैक्टर यूज़ करांगे इस तों बाद आपां नंबर ऐड कर दांगे ते सेम पासवर्ड तुसीं इत्थे न्यू पासवर्ड ते क्लिक करके ये जिहड़ा पासवर्ड आ तुसीं इत्थे मैनशन कर सकते हो। इत्थे तुसीं पासवर्ड एक जनरेट कर लेना वा ते उस तों बाद कन्फर्म कर देना पासवर्ड नूं। नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ जिहड़ी तुहाडी 10th दी मार्कशीट ते आ सेम डेट ऑफ बर्थ अपनी फिल कर लेनी आ। आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं तुसीं इह फिल करनी जिहड़ी तुसीं 10th दी मार्कशीट ते आ उही फिल करनी आ। कई बारी आधार कार्ड ते मिसमैच हुंदी इस करके मैं तुहानूं कह रहा वां इहदे 'च इहनां ने वैसे लिखिया भी होया वा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ते जिहड़ी तुहाडी डेट ऑफ बर्थ उही मैनशन करनी आ। उस तों बाद इत्थे अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन एक सिलैक्ट कर लेना वा नीचे उहदा आंसर मैनशन कर देना वा ते उस तों बाद की करना तुसीं इत्थे कैप्चा फिल करन तों बाद नीचे आपां इत्थों सबमिट कर देना वा। सो सबमिट करन तों बाद की करना तुसीं तुहाडी मेल ID ते एक लिंक तुहानूं प्रोवाइड मिलेगा ते उत्थे की तुसीं उहनूं एक्टिवेट करना लिंक नूं एक्टिवेट करन तों बाद तुसीं डायरैक्ट इत्थों लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन ते आपां क्लिक कर लांगे जे तुहानूं अपनी मेल ID दे विच मैसेज नहीं आउंदा तुसीं एक बार स्पैम फोल्डर चैक कर लिओ उहदे विच मैनशन कीता है साफ साफ काइंडली चैक यूअर स्पैम फिल्टर
ट्रैश एंड जंक मेल फोल्डर। जे तुहानू मेल ते कोई लिंक नहीं आउंदा तुसीं अपना स्पैम फोल्डर जरूर चैक कर लियो, उहदे च तुहानू लिंक मिल जूगा, उहनू तुसीं एक्टिवेट कर लेना वा। उस तो बाद आपां एक्टिवेट करन तो बाद इत्थों अपनी मेल आई डी फिल करांगे ते जिहड़ा तुसीं पासवर्ड बनाया वा इत्थे फिल करके कैप्चा फिल करन तो बाद आपां लॉगिन कर लांगे। जदों तुसीं इत्थे लॉगिन होगे ते तुसीं इत्थे प्रोफाइल डिटेल ते क्लिक कर लेना वा। नीचे आवांगे, इत्थे अपना मोबाइल नंबर फिल करांगे। मोबाइल नंबर फिल करन तो बाद नीचे अपना मदर नेम मैंशन करना वा। उस तो बाद इत्थे फादर नेम फिल करांगे ते नीचे आवांगे, इत्थे अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी आ। सो कंट्री सिलेक्ट करन तो बाद तुसीं इत्थे नीचे अपना एड्रैस मैंशन कर देना वा। परमानेंट एड्रैस इत्थे मैंशन करना सारों पहलां तुसीं इत्थे। सो परमानेंट एड्रैस फिल करन तो बाद नीचे अपना जे तुहाडा परमानेंट एड्रैस ते प्रेजेंट एड्रैस सेम आ इत्थों आपां टिक कर दांगे ते नीचे तुहाडा एड्रैस सेम आजूगा। तो अदर डिटेल दे विच तुसीं अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना वा। तो उस तो बाद आपां इत्थे अपनी नैशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी आ। तो इत्थे अगे आपां अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल दे विच तुहाडी क्वालिफिकेशन की है। देखो इस जॉब दे रिगार्डिंग अपने कोल टेंथ होनी चाहिए है ते नाल तुहाडे कोल हैवी लाइसेंस होना चाहिए वा। तो वह वाली ऑप्शन आपको इतने बिल्कुल नीचे मिल जाती है। इतने लिखा हुआ वा टेंथ एंड हैवी वहीकल ड्राइविंग लाइसेंस से आप क्लिक कर लेना वा। कि अपने स्कूल तो तुसी पास आउट किया वा यह टेंथ क्लास, स्कूल का नाम मैनशन करांगे तो इतने अपने परसेंटेज मैनशन कर देने। उस तो बाद आप इतने प्लस से क्लिक करांगे। सो जो तुसीं इत्थे प्लस ते क्लिक करना वा तो अपने कोले जे तुहाडे कोले कोई होर क्वालिफिकेशन हैगी है तुसीं इहदे च ऐड कर सकते हो। वैसे तो इस पोस्ट दे लई तुहाडे कोले टेंथ क्लास ही पास होनी चाहिए है, ठीक है। जे तुहाडे कोले ग्रैजुएशन हैगी है जां तुसीं प्लस टू की हुई आ, अपनी डिटेल तुसीं इहदे च फिल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उस तो बाद अपना इत्थे जेंडर सिलेक्ट कर लेना वा ते मैरिटल स्टेट सिलेक्ट कर लेना वा। आफ्टर दैट नीचे आवांगे, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी आ। उस तो बाद आप इतने नीचे एक्सरबिसमैन, जे थोड़ी एक्सरबिसमैन जो तुम है तो अपना सिलेक्ट कर सकते हो तो नहीं तो इतने अनएम्पलॉयड पर क्लिक कर लेना वा। नीचे आवेंगे, जे तुम जे कि हैव टू बीन डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, जे तुम जम्मू कश्मीर के रहने वाले सिलेक्ट कर सकते हो तो जी इतों नॉट अफेक्टेड बाई एनी ऑफ अबव दिस से आप थ्री से क्लिक कर लाँगे। जेडे एक दंगे हुए थे 1984 जे तुम उस अपने संबंध रखते हो, उन्होंने दंगे संबंध रखने अपनी फैमिली वगैरह तो वो तुम सिलेक्ट कर सकते हो। जोड़े इतने गुजरात के हुए थे विक्टम स्किल्ड इन दी कम्युनिकल रीड्स ऑफ, जे तुम वह संबंध रखते हो सिलेक्ट कर सकते हो तो नहीं तो करना इतों अपना नन ऑफ दिस से क्लिक कर लेना वा। लास्ट वाले तो नीचे आवेंगे, इतने आप नीचे अपने कोल इतने ऑप्शन आ रही है आर यू अंडर गोइंग इंटर्नशिप, जो थोड़ी इंटर्नशिप चलती है, ठीक है चल रही है तो तुम क्लिक कर सकते हो। नीड ब्लैंक छड देना वा। तो जे थोड़े को एम बी बी एस की डिग्री हैगी क्लिक कर सकते हो, नहीं तो कुछ नहीं फिल करना है इतने डायरैक्टली सबमिट कर दौ। कैंडली एंटर परमानेंट एड्रैस टू, इतने अपना जरा कि परमानेंट एड्रैस के भी कुछ मैनशन कर देना वा, जिदा कि नीयर अबाउट तुहाडा घर कि नीयर आता उतो आप मैनशन कर दें। उस तो दोबारा आप क्लिक करांगे, फिर क्लिक कर देना, नीचे आवेंगे इतने सबमिट कर देंगे। सो सबमिट करन तो बाद अपने कोल इतने नीचे ऑप्शन आ जाती है अपलोड इमेज से क्लिक करांगे। इतने अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है, जोड़ा कि साइज वह 30 KB तो लैके 100 KB होना चाहिए वा। तो फाइल जो फॉरमेट आ JPG होना चाहिए वा। तो सिग्नेचर की आप जो गल करिए 15 KB तो लेके 30 KB साइज होना चाहिए वा। तो जो फॉरमेट आ फोटो साइज का अपने सिग्नेचर का तो JPG होना चाहिए वा। इतने आप डिकलेरेशन से क्लिक करांगे, इतने फोटो अपलोड कर लाँगे तो करके सारा कुछ आप इतने सबमिट कर देंगे। जे तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है साइज बनाने के मैं कमेंट करके पूछ सकते हो, जो वास्ते एक अलग वीडियो बनाई हुई है तुम वह भी देख सकते हो भी तुम साइज कितना मेनटेन कर सकते हो। वीडियो का जो लिंक आ तुम डिस्क्रिप्शन च मिल जूगा, उतों जाके चैकआउट कर सकते हो तो नहीं तुम इतों इन डायरेक्ट सबमिट कर देना वा। तो उस तो बाद अपने को इतने ऑप्शन हैगा वा अपलोड डाकूमेंट का, ये भी कोई भी जो डाकूमेंट अपलोड नहीं करना है। तो उस तो बाद आप अपलाई पर क्लिक करांगे,
तो अप्लाई पर क्लिक करने बाद अपने को ऊपर ऑप्शन आ रही है कॉन्स्टेबल ड्राइवर की अप्लाई अपना जी फीस है तुम इतों पे कर देनी है। अप्लाई पर क्लिक करके ये सारी जी इंस्ट्रक्शन एक बार रीड करके इतों आप एग्री कर देंगे नैक्सट कर देंगे। सो नैक्सट करने तो बाद अपने को दोबारा फिर इंस्ट्रक्शन आ जाए रीड कर लेना वा एंड इन भी एग्री कर देना वा एग्री करके सबमिट कर देंगे। सो सबमिट करने तो बाद अपने को इतने फीस पेमेंट के वास्ते अपने को काफ़ी सारे मैथड है कि तुम क्रैडिट कार्ड डेबिट कार्ड तो नैट बैंकिंग जी फीस अपनी पे कर सकते हो किसी भी मैथड के नाल अपनी फीस पे कर दो। फीस पे कर तो ही बाद जो फॉर्म है ये एक्सैप्ट होगा विदाउट फीस तुम जो फॉर्म है रिजैक्ट हो जाएगा इस करके तुम्हें फीस भरनी पैनी है। फॉर्म फीस भरन तो बाद ही जो फॉर्म है कंप्लीट मनिया जाऊगा। तो उस तो बाद अपने को इतनी ऑप्शन आ जाती है एप्लीकेशन फॉर्म की माई एप्लीकेशन पर क्लिक करांगे तो इतों तुम अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो तो डाउनलोड करके उन्होंने रख लियो जो प्रिंट आउट कढ़वा सकते हो तो जो PDF भी सेव करके रख सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो एडमिट कार्ड आने तो अपने डाउनलोड कर लियो वो अपने एप्लीकेशन नंबर भर के तुम ये एप्लीकेशन अपने जो एप्लीकेशन के जो रोल नंबर डाउनलोड करोगे। सो तकरीबन इन्फॉर्मेशन मैं सारी इस वीडियो में प्रोवाइड करवाती है तुम फॉर्म किदा भरना वा जे कोई इन्फॉर्मेशन रह गई तो मैं कमेंट करके पूछ सकते हो। जे तुम परसनली अपने तो फॉर्म भरना चाहते हो तो मैं व्हाट्सएप पर तुम मैसेज कर सकते हो नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवाया हुआ वा। जे तुम्हें कोई होर भी प्रॉब्लम कोई आती है तो मैं व्हाट्सएप पर डायरैक्ट मैसेज कर सकते हो। बाकी जे तुम्हें यह अपनी अपडेट पसंद आई है तो वीडियो में लाइक जरूर कर दौ अगे शेयर जरूर कर दौ तो चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लियो इस तरह वीडियो देखने के लिए जो बैल आइकन आ रहा वा उन्होंने जरूर प्रेस कर दिया करो ताकि जी भी आप कोई नवी वीडियो लेके आईए वह जो नोटिफिकेशन है सर पहले तो आ सके। ओके थैंक यू गाइस।